अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। रोटियों पे मेरा हक है, ये रोटियां मैं खाऊंगा लाला। कट 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 कट। अरे क्या है साला, लाला तो सुनाई दिया लेकिन रोटियां किसने छीनी ये दिखाई नहीं दिया। अरे वो चिरान लेकर चला गया। क्या हुआ यार, ये क्या हुआ विभूति भैया, क्या हुआ रोटी लेके चले गए? विभूति भैया ना बहुत बड़े वाले पगलेट हैं। बड़े वाले पगलेट? आई हैव अ कंपनी नाउ, आई लाइक इट। लाला, इन रोटियों पे मेरा हक है लाला। विभू, व्हाट इज दिस? हाँ मजाक है क्या, मुझे खाने दो। एंड व्हाट इज दिस लाला वाला? लाला इज माय टैगलाइन। रोटी दो मुझे। ये रोटियां मेरी हैं। मैं मुझे भूख है। नहीं लाला, इन रोटियों में मेरा हक है। क्या ये तुम बंदरों जैसे छीना चपटी पे उतर आए हो? गिव मी, ऐसे कैसे खा रहे? आदमी छीना छपटी पोतर आया है, अब मैं क्या खाऊं? इन रोटियों पे मेरा हक है लाला। ये क्या कर रहे हैं भैया? ये रोटियां मैं खाऊंगा। आप क्यों खाइएगा, हमने आपको दावत दी है क्या? डेढ़ घंटा ढाबे वाले के यहाँ लाइन में खड़ा रहे तब जाके ये सब लेके आए। लाला तू डेढ़ घंटा खड़ा रहे या तीन घंटा खड़ा रहे, वो तो रोटियों से मतलब है। क्योंकि भैया ये रोटियां लेकर आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। मुझे सही गलत ना समझा, ये रोटियों से मेरा मतलब है, रोटियां मुझे मिल गई। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज नहीं है। ये रोटियां मेरी हैं लाला, इन रोटियों को मैं खाऊंगा। बताइए, संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। अरे भाभी जी, अरे बैठिए। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे आप तिवारी जी? बस भाभी जी ठीक हैं। भाभी जी क्या है कि हम ना अपने बिजनेस को विस्तार देना चाह रहे हैं, तो इस विषय में हमारी एक हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन खन्ना साहब से बात हुई है, तो कि हम कच्चे बनियान के बड़ा शोरूम खोलना चाहते हैं, तो उन्हें हमारा आइडिया बड़ा पसंद आया। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है, श्री गणेश करिए और आगे बढ़िए। जी, हमारा भी इरादा ऐसा ही है भाभी जी। तो खन्ना साहब जो है आज हम हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं, तो वहीं पर सारी चर्चा वगैरह हो जाएगी। तो हम ये चाह रहे थे भाभी जी कि अगर आप भी इस शुभ घड़ी की गवाह बन जाएं, तो हमारे बिजनेस को चार चांद लग जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं तिवारी जी, अगर मेरे आने से आपके बिजनेस में इजाफा होगा तो मैं जरूर आऊंगी। इनफैक्ट विभू को भी लेकर आऊंगी मैं। भाभी
भभूति जी को लाना बिल्कुल सही होगा। चलिए ले ले आइएगा, ले आइएगा। चलिए सी यू। शुक्रिया शुक्रिया भाभी जी। बाय तिवारी जी। बाय। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये कितनी देर तक देश की धरती से सोना मोती उगाते रहेंगे, एनी आइडिया? बिल्कुल चुप रहो ना तुम, एनआरआई है, देश की धरती को लेकर इमोशनल है। तो रो लेना, गा क्यों रहे हैं? चुप रहो। ओए होए 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 होए, कसम से तिवारी जी क्या फिल्म दी, इससे ना मेरे दिल के सारे जज्बात बाहर आ जाते हैं जी। और इसमें वाली लाइन है ना इस गाने में, बैलों के गले में घुंघरू जब जीवन का राग सुनाते हैं। आप ये सेम एक्सपीरियंस इनके गले में घुंघरू बांध के ले सकते हैं। सेम एक्सपीरियंस। हाँ जी, ये बैल है क्या जी? वो कहना कि अम्मा जी लड्डू के भैया को बैल बुलाती हैं। चलिए मजाके मजाके तो होती रहेंगी, पहले खाना खाते हैं फिर काम की बातें करते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा तिवारी जी, ये कौन है जी, इनसे परिचय नहीं कराया आपने? आपने मौका ही कहाँ दिया, आप तो पूरब और पश्चिम में ही अटके हुए हैं। सही कहा आपने, हम तो जी पश्चिम में अटके हुए हैं, जबकि पूरब में आप जैसे कितने सोने सोने चेहरे हैं जी, लेकिन हम तो अंग्रेजन के पीछे भागते रहते हैं। Anyway, I'm Anita Mishra. I'm their neighbor. मैं सामने वाले घर में ही रहती हूँ। अकेली रहती हैं जी? जी नहीं, इनके साथ एक 6 फुट का इनका हस्बैंड भी रहता है, and that's me, Vibhuti Narayan Mishra. And I'm a topper from Chhapra University and Shikarpur University. काफी शिकारी टाइप इंसान लग रहे हैं आप। काफी। चलिए ना दिनार करते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। ओ जी भाभी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी तो यही कह रहा था जी, रोटी छोटी खा लेते हैं फिर। और ये रोटी छोटी, रोटी छोटी से याद आया, आपने रोटियां बनाई है ना जी भाभी जी? सर आपका हुक्म सर आंखों पर, रोटियां तो बनाई है, साथ में पनीर मखनी पंजाब दा स्पेशल डिश हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। हदिया कछु भी हम बनाए, झूठ काहे बोल रहे हैं? तिवारी जी शर्म आनी चाहिए आपको, अब भाभी जी क्रेडिट खा रहे हैं। छी, यार आप अपनी चोंच बंद रखिए। हैं तिवारी जी, पोल खोल दी भाभी जी ने आपकी। बोल देते अक्सर पोल खोल देती है इनकी। चलिए बहुत हो गया मजाक, चलिए खाना खाते हैं अब। हम सबको परोसते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू। दाल अपना आप ले लेंगे। वाह जी वाह। और लो जी आपके लिए स्पेशल रोटी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।